जय श्री बालाजी। संकट कटे मिटे सब पीरा के खास प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं बजरंग बाबा आज आपके लिए लेकर आया हूँ दिसंबर 2024 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही बात करेंगे व्यक्ति के स्वभाव, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा और रिलेशनशिप के बारे में। मकर राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना ठीक ठाक रहने वाला है। अगर आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो इसके लिए यह महीना अनुकूल रहने वाला है। मंगल महाराज इस महीने चतुर्थ भाव में और एकादश भाव का स्वामी होकर वक्री गति में रहेंगे, जिसके चलते आपके निजी जीवन और वित्तीय गति में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। जीवन पद्धति और पारिवारिक में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शनि महाराज आपके लिए प्रतिकूल रहने वाले हैं, इसके चलते आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ने की संभावना रहने वाली है। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए कुछ मध्यम रहेगा। शनि महाराज इस महीने आपके दूसरे भाव में उपस्थित रहेंगे, जिससे आपको मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरे भाव में उपस्थिति के चलते शनि आपके ऊपर नौकरी का दबाव और काम में चुनौतियां लेकर आ सकता है। यह आपके लिए चिंता की वजह बनेगा। आपको साझेदारी में जाने से बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही इस महीने बहुस्तरीय व्यवसाय करने से भी बचें। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य की बात करें, यह महीना आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति पंचम घर में रहेगा, जिससे आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। मुमकिन है कि आपके अंदर अच्छी ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगी, जिसके अलावा आपकी मानसिकता ज़्यादा सकारात्मक रहेगी, जिसका असर आपके समग्र स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में स्थित रहेंगे, जिससे आपके प्रियतम के साथ प्यार में आकर्षण बढ़ने वाला है। आपका प्रेम जीवन आनंदमय बनेगा और आप अपने पार्टनर के साथ खुशियों भरा पल व्यतीत करने में कामयाब रहेंगे। अगर आप अपने पार्टनर से विवाह करना चाहते हैं तो इस महीने आपको इसमें सफलता मिल सकती है। यह महीना पारिवारिक तौर पर इस महीने आपके परिवार में खुशियां आने की संभावना है और परिवार के लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे, क्योंकि इस महीने बृहस्पति आपके पंचम भाव में स्थित रहने वाले हैं। इससे परिवार में खुशहाली आने की संभावना रहेगी। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुशियां और सौभाग्य और संतुष्टि प्राप्त करेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं उन उपायों की जो आपके पूरे महीने को खुशहाल बनाएंगे। रोजाना 108 बार ओम मांडय नमः मंत्र का जाप करें। रोजाना 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। मुमकिन हो तो शनिवार के दिन विकलांग लोगों को दही चावल खिलाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।